रिसेंट में ये जो 75% रोजगार भले ही वो कोर्ट में मामला चल रहा है, पर दुष्यंत जी ने अपनी ईमानदारी से उसको युवाओं को सौंपने का काम किया। उनकी कलम में जितनी ताकत है उससे दुगनी ताकत से वो युवाओं के लिए काम कर रही है। दुष्यंत जी को मजाक का पात्र नहीं बना रहे, वो हरियाणा के युवाओं का मजाक कर रहे हैं, हरियाणा युवाओं के हकों का मजाक कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी के नेता हैं, वो कैसे दुष्यंत जी की बड़ाई करें है? वो कैसे दुष्यंत जी के जो मुद्दे हैं उनको अच्छा बताएं। वृद्धा हल्का में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दौरे हैं और युवा नेता दीपक मलिक हमारे साथ हैं। दीपक, आवाज उठाते हो युवाओं की, और दुष्यंत चौटाला का क्या कुछ विजन है युवाओं के प्रति? देखिए, निश्चित तौर पर जब से भाई दुष्यंत सिंह चौटाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं, एक अलग से ही किसान कमेरन के साथ साथ नौजवान की भी आवाज वो हमेशा संसद में उठाते हैं, मगर जो भी उनसे बनती आई उससे ज्यादा वो हमेशा जब से सांसद रहे हैं और आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, युवाओं के लिए रिसेंट में ये जो 75% रोजगार भले ही वो कोर्ट में मामला चल रहा है, पर दुष्यंत जी ने अपनी ईमानदारी से उसको युवाओं को सौंपने का काम किया। कुछ लोग उसके विरोध में हैं, मगर दुष्यंत जी का एक विजन है कि उस कानून को भी लागू करवा के रहेंगे, और जब से सांसद थे और आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, एक क्लियर विजन प्रदेश के युवाओं के लिए है। जो उनकी कलम में जितनी ताकत है उससे दुगनी ताकत से वो युवाओं के लिए काम कर रही है। 75% की बात कर रहे थे आप, वे हुड्डा परिवार तो आपका मजाक उड़ा रहा है, आपने धोखा दे दिया युवाओं को। देखिए अरुण जी, ये प्रदेश के युवाओं को देखना है कि दुष्यंत जी ने एक अपना विजन, अपना जो वादा था वो इम्प्लीमेंट करके उसको कानूनी अमलीजामा पहनाया, मगर कुछ कानूनी अड़चने इसके बीच में आ गई। ये तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि दुष्यंत जी ने एक युवाओं के लिए इतना अच्छा कानून लाया और वो कानून कोर्ट से कहीं ना कहीं सटे हो गया, और उस पे हरियाणा के वो दुष्यंत जी को मजाक का पात्र नहीं बना रहे, वो हरियाणा के युवाओं का मजाक कर रहे हैं, हरियाणा युवाओं के हकों का मजाक कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर जो 75% जो युवाओं को कानून का मुद्दा है, इस मुद्दे पर प्रदेश की सरकार के साथ दुष्यंत जी के साथ साथ खड़ा होना चाहिए इस मुद्दे पर। अच्छा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और दुष्यंत में कितना अंतर मानते हैं? ये देखिए, मैं उस चीज का कंपैरिजन तो नहीं कर पाऊंगा, मगर जो दुष्यंत चौटाला जब से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं, एक अलग से युवाओं के लिए रोडमैप तैयार कर रहे हैं, एक अलग से युवाओं के लिए नए कानून ला रहे हैं, नए जो रोजगार के अवसर हैं प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी उसमें नए रोजगार के अवसर लगातार आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिन जब हमला बोलते हैं, दुष्यंत चौटाला ने ये फेल कर दिया, ये तो झूठे हैं, ये तो जमुना पार के थे, यार बन गए? देखिए अरुण जी, अगर आप और हम ईमानदारी से बात करें तो वो एक विपक्षी पार्टी के नेता हैं, वो कैसे दुष्यंत जी की बड़ाई करें है? वो कैसे दुष्यंत जी के जो मुद्दे हैं उनको अच्छा बताएं? वो तो एक राजनीति है, एक राजनीतिक बयान है, उनकी मजबूरी है, वो एक विपक्षी पार्टी के नेता है, वो दुष्यंत जी पर हमले बोलेंगे और उनका काम ही यही है। लेकिन वो नू को टाइम जेजेपी का नहीं है, जमानत जपत पार्टी। देखो, आने आने वाला समय तो प्रदेश की जनता तय करेगी कि जेजेपी का है या नहीं है, या कांग्रेस का है या बीजेपी का है। मगर एक बात कहना चाहूंगा कि जेजेपी ने जो अपने वादे थे वो कोशिश करी निभाने की, और बात अगर भविष्य की हो, भविष्य का किसी को नहीं पता, ना मैं ज्योतिष हूँ, ना आप ज्योतिष है, ना दीपेंद्र जी ज्योतिष है। ये तो प्रदेश की जनता के सामने जब चुनाव का समय आएगा, सब अपनी अपनी बातें रखेंगे, सब अपने अपने मुद्दे रखेंगे। सरकार ने जो काम किए, दुष्यंत जी ने जो काम किए, वो प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे, और दीपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस का जो विजन है वो प्रदेश की जनता तय करेगी उस चीज को।